Hello everyone, I hope you all are healthy and you have enjoyed all the previous introductory and application videos. Let's start with some new applications. Start reading the question. Shanti Sweet Stall was placing an order for making cardboard boxes for packing their sweets. Two sizes of boxes were required. The bigger dimensions 25 cm, 20 cm by 5 cm and the smaller dimension 15 cm by 12 cm by 5 cm. For all overlaps, 5% of the total surface area is required. If the cost of cardboard is rupees 4 for 1000 cm square, find the cost of cardboard required for supplying 250 boxes of each. Question read karne ke baad, try to find out keywords which help me to get my solution step by step. मुझे क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया मिला था तो आई हैव द नॉलेज कि मुझे टोटल सरफेस एरिया तो निकालना है. एंड इन द क्वेश्चन द डायमेंशंस आर गिवन, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द स्मॉलर एज वेल एज द बिगर बॉक्स. इट मीन्स क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकालना है. तो सबसे पहले सीधे सीधे हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिगर एंड स्मॉलर बॉक्स निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला हमें बहुत अच्छे से आता है. 2LB plus BH plus HL. ये फॉर्मूला यूज़ करके हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिगर बॉक्स एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर बॉक्स निकालेंगे. केयरफुली पुट ऑल द डायमेंशंस ऑफ द बिग बॉक्स एज वेल एज स्मॉलर बॉक्स एंड बाय यूजिंग द बॉड मास रूल कैलकुलेट द आंसर केयरफुली. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ द बॉड मास, अदरवाइज यू गेट द रॉन्ग आंसर. तो सबसे पहले हमने सॉल्व करा एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय 2 आई गेट 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर. सेम पैटर्न आई फॉलो हेयर. फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग एड 180, 60 एंड 75 विच विल गिव अस 315. इसे 2 से मल्टीप्लाई करें एंड गेट द आंसर 630 सेंटीमीटर स्क्वायर. सबसे पहले क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया मिला था तो आंख बंद करके मैंने सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया. अब नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे. कभी भी कोई नया क्वेश्चन मिलता है, घबराना नहीं है. उसमें वो पॉइंट्स देखो जो कि आप सॉल्व कर सकते हो. तो यहाँ पर हमने सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया है. अब मैं नेक्स्ट लाइन पर जाती हूँ. इट इज़ गिवन 4-5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा. 5% एक्स्ट्रा चाहिए तो टोटल सरफेस एरिया जो हमारा है वो तो रहेगा, साथ में हमें 5% एक्स्ट्रा भी लेना पड़ेगा 1450 का. तो मैंने वही कैलकुलेट करा. अगेन आपको ध्यान रखना पड़ेगा बॉड मास रूल. और यहाँ पर सबसे पहले आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे. आफ्टर कटिंग आई एम कैपेबल टू गेट 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. लेकिन ये जो एरिया निकला है दैट इज़ ओनली वन बिगर बॉक्स. लेकिन मुझे ऐसे कितने बॉक्सेस चाहिए? क्लियरली इन द क्वेश्चन इट इज़ इंडिकेटेड दैट 250 बॉक्सेस ईच काइंड. तो आप 250 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो वी गेट द आंसर 380625 सेंटीमीटर स्क्वायर. यही सारा काम मुझे करना है स्मॉलर बॉक्स के साथ भी, क्योंकि 5% एक्स्ट्रा वहाँ पर भी चाहिएगा. तो हम उसके लिए भी एरिया निकालेंगे. 630 हमारा टोटल सरफेस एरिया था जो स्मॉलर बॉक्स का हमने लास्ट पेज पे निकाला. अब इसका 5% किसका 5%? 630 का 5% निकाल कर 630 के साथ हमने यहाँ ऐड कर दिया है एंड वी गेट 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो इट इज़ कंपल्सरी टू हैव सम पेन पेपर इन योर हैंड्स एंड स्टार्ट कैलकुलेटिंग साइड बाय साइड. नाउ अगेन वन स्मॉल बॉक्स का एरिया मल्टीप्लाई करेंगे 250 के साथ, बिकॉज ईच बॉक्स इज 250 इज़ रिक्वायर्ड. सो आई गेट 165375 मीटर स्क्वायर.
अब ये जो दोनों एरियाज हैं इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि मुझे इतना कार्डबोर्ड परचेज करना पड़ेगा टू मेक बोथ द बॉक्सेस. नाउ आई हैव ऑलरेडी ऐड एंड वी गॉट दिस आंसर. नाउ वी कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. हमने तीन पार्ट का क्वेश्चन था जिसमें से दो पार्ट सॉल्व कर लिए हैं. थर्ड पार्ट में क्या करना है, थर्ड पार्ट में हमें कॉस्ट निकालना है. मेरा जो कॉस्ट है कार्डबोर्ड का वो मुझे दिया हुआ है 1000 cm² इन रुपीज़ फोर आई कैन परचेस. तो डेफिनेटली आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसे 546000 के साथ. लेकिन यहाँ एक गलती बच्चे करते हैं, इस क्वेश्चन में आपको 1000 cm² दिया हुआ है, इसका ध्यान रखिएगा. 1 cm² नहीं है, 4 rupees उसे खर्चने हैं कब, 1000 cm² के लिए. तो आप प्लीज़ इसे डिवाइड ज़रूर करिए. अगर आप इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे उसका मीनिंग होगा कि कार्डबोर्ड का प्राइस जो है वो है 1 cm² रुपीज़ 4 फॉर 1 cm², लेकिन यहाँ पर 4 rupees आपको 1000 cm² के देने हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइडेड टू फाइंड आउट द प्राइस फॉर 1 cm² एंड देन यू हैव टू मल्टीप्लाइड बाई 546000 एंड फाइनली वी आर गेटिंग आर आंसर विच इज़ 2184. रुपीज़ का साइन लगाना मत भूलना और स्टेटमेंट में आंसर लिखना भी मत भूलना. लेट्स स्टार्ट रीडिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड ट्राई टू फाइंड आउट द कीवर्ड्स टू गेट द आंसर. प्रवीण वॉन्टेड टू मेक अ टेम्पररी शेल्टर फॉर हर कार बाय मेकिंग अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर विथ tarpaulin that covers all 4 sides and the top of the cover with the front face as a flap which can be rolled up, assuming that the stitching margins are very small and therefore negligible. How much tarpaulin would be required to make the shelter of height 2.5 meter and the base dimension is 4 meter by 3 meter. इस क्वेश्चन में कीवर्ड्स मुझे मिले डाइमेंशंस. आई कैन अंडरस्टैंड कि हाइट 2.5 है और बेस जो है वो लेंथ इनटू ब्रेड्थ होगा, तो लेंथ 4 meter है और ब्रेड्थ 3 meter. जो नेक्स्ट कीवर्ड मुझे मिला वो मुझे मिला कि 4 sided कवर करनी है और टॉप कवर करना है. वैसे भी आप देखिए आपकी कार खड़ी होगी तो आप उसको सिर्फ ऊपर से कवर कर पाएंगे, आप उसके नीचे टायर्स को कभी कवर नहीं करते. तो यानी हमें समझ आ गया कि जो टोटल सरफेस एरिया है क्यूबॉइड का उसमें आपको सिर्फ एक फेस नहीं लेना. इफ़ यू हैव वॉच द इंट्रोडक्टरी वीडियो सो इट विल बी क्लियरली अंडरस्टैंडेबल टू द स्टूडेंट व्हाट आई एम सेइंग हियर. तो आप सिर्फ 5 faces के लिए काम करेंगे और अगर आप 5 faces का सरफेस निकालना चाहते हैं तो वी हैव द फॉर्मूला 2HL+B प्लस एल बी. तो इसी फॉर्मूला पे हम काम करेंगे एंड वी कैन गेट द आंसर इजीली. लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट एंड द फॉर्मूला. यहाँ मैंने एच कॉमन लिए बगैर करा है. आई एम गिविंग यू द एक्सपोजर ऑफ ईच एंड एवरी काइंड. आप चाहें तो एच कॉमन लेकर भी कर सकते हैं. अगेन बॉड मास का फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है. यहाँ देखिए मल्टीप्लीकेशन पहले होगी उसके बाद ही आप इसे ऐड करेंगे. इट विल बिकम 2 × 17.5 + 12. अब यहाँ पर पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लाई करके वी गेट 35.0 + 12 एंड फाइनल आंसर इज 47 m². यूनिट लगाना और स्टेटमेंट पे आंसर देना कभी भी मत भूलिएगा. फाइनल टीचर्स कैन ओपन द डोर बट यू मस्ट एंटर इट योरसेल्फ बाय योर हार्ड वर्क. एंजॉय द वीडियो. Please like, share and subscribe my channel for more informational videos.